प्यारी सी YouTube फैमिली, तो आप सभी को मैं ज्योति गैड़ा का प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार। तो सुबह के नाश्ते चाय के साथ एक बार फिर से वेलकम करती हूँ मैं आपका अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पे मेरा चाय बन रही है एक गैस पे, और एक पे मैं बना रही हूँ काबुली छोले और पूड़ी, क्योंकि आज हमारे यहाँ सूतक कम्प्लीट हो गया 12 दिन, तो आज मैं कुछ अलग ही बना रही हूँ खाने में। बाकी यहाँ पे चाय मेरी बन चुकी है और एक गैस पे मैंने छोले भी चढ़ा दिए हैं, और अब मैं रख रही हूँ एक मैं ऑयल पूड़ी के लिए, और गैस में कर दूँगी फुल के ताकि फटाफट से तेल गर्म हो जाए। यहाँ पे मम्मी लगा रही हैं झाड़ू, और कभी कभी लगता है हाउसवाइफ के ना चार हाथ भी हो ना वो भी कम पड़ जाएँ। देखिए मैं सारी चीज़ें एक साथ कर दे रही हूँ। दूध भी मेरा गर्म हो चुका है, बच्चों के लिए निकाल दिया, अलग से रख दिया है, और अब मैं डालती हूँ फटाफट से पूड़ियाँ और बच्चों को पिलाते हैं दूध पवन। यहाँ पवन आ गए बच्चों का दूध बनाने के लिए। उल्टी चादर ओढ़ के सो गई हूँ। मुझे मेरे को तो यहाँ पे दूध बन चुका है, इनका रेडी है, अब इनको उठाएगा कौन। गुड मॉर्निंग, करागरे करवाओ उनको, जल्दी से उठाओ। पहले उठे तो सही हो, कितना करागरे से जल्दी उठाओ, फिर कब उठे तुम, एक घंटा लगा दोगे, 6:05 है, लेट होगा। दोनों को देखा एक साथ, बिल्कुल कैसे लड़े कुछ करे, एक साथ बिना खाए रह भी नहीं पाते हैं ना, बगैर एक साथ सोए रह पाते हैं। ये भी उड़ गई है, ये भी उड़ गई है, ये कैसे पोजीशन बदल रहे हैं। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, उठ गया। देख आज मैंने क्या बना दी तुम्हारे लिए, देखो कचौड़ी नहीं है, पूरी और छोले, काबुली चने बनाए मैंने आज। हाँ आपने करागरे किया, करागरे किया, और गुड मॉर्निंग किसी भी नहीं दी मम्मा को, पहले को भी ले आओ साथ। और यहाँ पे अब मैं नाश्ता बनाने के बाद पवन की बोतल भर रही हूँ ठंडे पानी से, और बच्चों की बोतल भर रही हूँ घड़े के पानी से, क्योंकि हम बच्चों को अवॉइड ही करते हैं फ्रिज का वाटर देना। और यहाँ पे मेरा टिफ़िन ने बहुत दिमाग ख़राब किया, रबड़ में से लग ही नहीं रहा था, उसके बाद मैंने फटाफट से टिफ़िन पैक कर दिए। छोले मेरे ये रेडी हैं, और अब मैं रख देती हूँ छोले भी, तो मस्त से मेरा टिफ़िन हो गया पैक। मेरा काशू ना आगे भी आ गया, और ही गुस्सा हो गया था कि मम्मा आप मुझे लेने नहीं आ रहे, तो मैं ये टिफ़िन पैक करते करते लेने चली गई वहाँ बाथरूम में से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, दोस्तों ये है हमारे रीति रिवाज, जब पीपल पानी होता है उसके बाद ऐसे घर में पूरा गौत छिड़का जाता है, जब अपने घर का सूतक होता है, तो आज पीपल पानी हो रहा है तो इसलिए मम्मी गौत डाल रही हैं। बाकी मेरे टिफिन भी पैक हो चुके हैं, यहाँ पे पैक नहीं कहूँगी मैं, अभी हो ही चुके हैं ये। इसमें मैंने नित्या काशी के लिए आज लग क्यों नहीं रहा होगा ढक्कन, इसको इधर रख देती हूँ। आज फ्रूट्स में बनाना ही था तो वही रख दिया मैंने, और फ्रूट्स में कुछ था ही नहीं, एप्पल वगैरह आज लेके आऊँगी एप्पल, तो यही रख दिया मैंने। इस टिफिन ने इतना परेशान कर दिया ना मुझे आज कल, मैंने पूरा रबड़ वबड़ निकाल के धोया था, रबड़ लग ही नहीं रहा था इसका। बाय, वापस क्यों आ रहे हो, अरे फ़ोन लेने, चलो बाय बाय कर दे पापा को, बाय बाय। उसके पापा ने बोला चार्जर भी ले आती, कहा तो चार्जर, जा फिर जा 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 आराम से जाना, जा जा दे आ जा, वो भाग गई। अच्छे से ले उठा गिरेगी। तो दोस्तों इधर मेरे नित्या काशी रेडी हो चुके हैं, आज है वेडनेसडे तो इसलिए नित्या जा रही वाइट ड्रेस में, और ये काशी की दूसरी ड्रेस, बैग भी पैक हो चुके हैं, टाइम हो गया है, अब मैं जाती हूँ उनको छोड़ने, फिर मिलती हूँ आपको आने के बाद। अभी मैंने बर्तन वगैरह कुछ नहीं धो रखे हैं, खाली झाड़ू मम्मी ने लगाया, पोछा लगा रखा है मैंने, हम भी आने जा रहे हैं, बस चलो बाय बाय। मैं हैंग करूंगी बैग, चलो बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ मैं, और पापा पढ़ रहे हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर। अब चलते हैं अंदर की ओर, अब ये सब उथल पुथल हो रखा है, झाड़ू पोछा हो गया, पर ये कुछ बिछाया वगैरह कुछ नहीं है, ये धोए थे तो ये बाद में करेंगे, हम मैं जाती हूँ बर्तन धोने। तो दोस्तों बच्चों को मैं बस में बैठा के आ गई, और आप देख सकते हैं हमारे बगैर खाना खाए के बर्तन इतने सारे होते हैं सुबह बगैर ब्रेकफास्ट किए, तो ये बर्तन सारे धोए, और इसमें देख के ऐसा मन कर रहा है ना, काश हम काम भी इतना फटाफट कर पाते, इतना मज़ा आ रहा है एडिटिंग करने में, अच्छा लग रहा है कि ये काम इतनी जल्दी जादू में हुआ होगा। तो सारे बर्तन धोने के बाद मैंने अपना किया आज किचन क्लीन, पूरा किचन क्लीन किया, और यहाँ पे छोले भी मैंने अलग भगवान उसमें रख दिए छोटे वाले टिफिन में, बाकी
कुकर धो के, यहाँ पे गैस भी मैंने पूरा धो दिया, नहला दिया गैस को क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था। बाकी आप देखिए मेरा किचन भी पूरा क्लीन हो चुका है, मम्मी कर रही हैं अपना काम, मैं कर रही हूँ अपना काम, बच्चे चले जाते हैं तो थोड़ा एक वो मिल जाता है रिलैक्स। बाकी यहाँ पे मेरा दूध भी ले आए थे पापा, तो दूध भी गर्म कर दिया, दूध की बाल्टी भी क्लीन कर दी, किचन भी क्लीन कर दिया, अब जहाँ पे मैं साबुन वगैरह रखती हूँ वो भी क्लीन कर दिया है, तो टोटली मेरे पूरे किचन की सफाई हो गई है। तो यहाँ पे मम्मी धो रही है पापा के कपड़े, और जो पापा के वाइट कपड़े हैं और पवन और नित्या की वाइट शर्ट है, क्योंकि वाइट शर्ट मशीन में डालने में ख़राब हो जाती हैं तो मम्मी हाथ से धो देती हैं उनको। बाकी अब करेंगे हम लोग वॉशरूम साफ, यही बच गया है, बाकी सारा काम हो चुका है हमारा। यहाँ पे मम्मी को करने देते हैं, अभी ये रूम क्लीन करना बच गया है, बाकी जगह तो झाड़ू मम्मी ने लगा दिया था, अब बच गया है ट्यूशन रूम क्लीन करना, तो ये रूम अभी मैं करूँगी क्लीन, और जगह मम्मी ने लगा दिया था झाड़ू। यहाँ की विंडो खोल देते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे पन्नी इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ से बारिश आ जाती है तो पूरा अंदर पानी आ जाता है, अगर तिरछी बारिश आती है अदरवाइज नहीं आता है, तो इस साइड का भी खोल देते हैं। बाकी अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट, और पापा को जाना है पीपल पानी में, पापा तो नहीं करेंगे ब्रेकफास्ट, मैं और मम्मी ही करेंगे। अब मैं कर देती हूँ इस रूम को क्लीन, कल हमने ये सोफे के कवर वगैरह धोए थे तो ये भी यहाँ पे ऐसे ही रखे हुए हैं, इनको भी लगाती हूँ फटाफट से बैठक में जाके। धो रही है मैं, कर देती हूँ इधर वाला वॉशरूम क्लीन, उस साइड वाला मम्मी बोली मैंने कर दिया है, तो फटाफट से वॉशरूम क्लीन करते हैं। पापा कब जाएंगे? पापा आज नीचे से मैंने ब्लॉक की स्टार्टिंग करी थी, और ऊपर का मौसम कुछ ऐसा है, और मम्मी ने जो हाथ से कपड़े धोते हुए इधर डाल दिए हैं, और ये हैं कल के कपड़े जो हमने कल अंदर ही डाले थे, कल दिन भर धूप नहीं थी तो ये अंदर ही थे, तो अभी थोड़ी देर बाहर धूप में डाल दिए हैं। और नानी उनकी तो शर्ट चेंज हो गई, अब ये पवन की स्कूल की शर्ट, वो नित्या की शर्ट, और सारे पापा के कपड़े, तो मम्मी ने ये छत में डाल दिए हैं। तो दोस्तों आप जाती हूँ नीचे और ट्यूशन रूम थोड़ी क्लीन करती हूँ, उसके बाद मेरा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप चलते हैं नीचे। आजकल तो मंदिर में पूजा पाठ भी नहीं हो रही, आज शाम से होगी या कल सुबह मम्मी मंदिर क्लीन करेंगी, उसके बाद होगी पूजा पाठ, चलते हैं नीचे। तो दोस्तों जैसे और दिन स्कूल होता था पहले, तो मैं ये काम अपना अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर देती थी, तो आजकल स्कूल नहीं है तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर रही हूँ स्कूल के बाद, बच्चों को छोड़ने के बाद। दोस्तों यहाँ स्टडी रूम भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, और यहाँ पे मशीन में धुल रहे हैं कपड़े, और आप मशीन में थोड़ा देर में देखिएगा आवाज़ आएगी कुछ, ये आवाज़ इसलिए आएगी क्योंकि इसमें मम्मी ने आज डाल दिया है कपड़े धोने वाला ब्रश, अभी नहीं आ रही, अभी तक बहुत आवाज़ आ रही थी, मैं डर गई कि आवाज़ काई की आ रही है, तो इधर आज मम्मी से गलती से चला गया है कपड़े धोने वाला ब्रश। आप बीच में तो मशीन को खोल नहीं सकते हैं क्योंकि मशीन लॉक हो जाती है और पानी पूरा निकल जाएगा बाहर, अगर बंद करके खोलेंगे भी तो 10 सेकंड के बाद खुल तो जाएगा डोर, बट पूरा पानी बाहर। तो पहाड़ों का मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और अंदर से दिखा रही हूँ आपको, और अंदर देखिए आज हमारे यहाँ हल्द्वानी में तो इतनी बढ़िया सी धूप आ चुकी है, अंदर मेरे म्यूज़िक रूम तक धूप आ रही है। मैं अच्छा थोड़ी देर यहाँ पे पर्दे वगैरह हटा दिए, थोड़ी देर हारमोनियम को भी इधर को शिफ्ट कर देती हूँ, थोड़ा भी धूप सेक लेती हूँ भाई, थोड़ी देर धूप में इनको आज धूप सिखा देते हैं, इनमें मॉइस्चर सी हो जाती है तो वो ठीक रहेगा। बाकी कपड़े धुले ही नहीं है और आवाज़ अभी भी आ ही रही है इसमें से, फ़ैन कर देते हैं बंद क्योंकि मैंने यहाँ पोछा लगाया। तो सारा काम निपटाने के बाद अब मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, जो मैंने ब्रेकफास्ट में आज सुबह देखा अपने छोले और पूरी बनाए थे, तो अब मैं भी देखती हूँ अपने टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट का मज़ा, साथ में अपना कोई एपिसोड देखती हूँ फूड में खाते खाते, और फिर करती हूँ अपना म्यूज़िक वाला वर्क और काम, थोड़ा सा एक ब्लॉग भी एडिट करना है, पहले वो एडिट करूँगी उसके बाद सारा काम। तो दोस्तों यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं मशीन में, सूख भी गए हैं, अब यहाँ से प्लग कर देते हैं बंद और खोलते हैं कपड़े और निकालते हैं इनको, देखना ब्रश भी निकलेगा, सब ऐसे हो जाते हैं कपड़े, मैंने बोला ना इसके अंदर ब्रश किया हुआ है, ये देखो ब्रश भी धुल चुका है हमारा। मम्मी ने कपड़ों के साथ ब्रश भी डाल दिया, और आवाज़ भी यही कर रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था, और इतने सारे कपड़े हैं सुबह एक शिफ्ट के धुल चुके हैं, उसके बावजूद भी इतने सारे कपड़े हैं, रोज के हो जाते हैं, तो पूरी छत कपड़ों से भरी हुई है, इस साइड के कपड़े सूख गए हैं, इनको उठा लेती हूँ पहले। तो कपड़े डाल दिए हैं कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ झूले में, आप चलते हैं नीचे और लेती हूँ अपनी ऑनलाइन क्लास। तो दोस्तों टाइम कुछ हो चुका है, 9 बज चुका है, और यहाँ पे मेरी ऑनलाइन क्लास का सेटअप तैयार है, यहाँ पे स्टैंड पे लगा दिया फ़ोन मैंने, और अब मैं कर लेती हूँ अपनी क्लास, उसके बाद करूँगी ब्लॉगिंग, टाइम होने वाला है मेरा, पापा चले गए हैं पीपल पानी में और मैं लेती हूँ क्लास, उसके बाद मुझे फिर जाना है। फ्रेंड्स अभी मैंने क्लास ले ली है और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ बैंक और LIC ऑफिस जाने के लिए, बैंक में पासबुक एंट्री करवानी है पापा की, और LIC ऑफिस में भी मेरा काम है। जब मैं पूरी बना रही थी ना, जो सुबह वाला टॉप पहना था उसमें तेल के छीटे आ गए थे आगे से, तो ये टॉप मैंने उसी टाइम चेंज कर लिया था, बाकी जीन्स डाल ली है और रेडी हो चुकी हूँ मैं, और यहाँ पे ये है LIC के कागज जो मुझे लेके जाना है LIC ऑफिस, और अब मैं निकलती हूँ, अभी मैं पहुँच चुकी हूँ LIC ऑफिस, देखते हैं आज काम होता है नहीं होता है LIC का, आई होप खुला हो, खुला तो है,
सेकंड बस काम हो जाए। LIC ऑफिस के बगल में है बीकानेर वाला। तो दोस्तों LIC का काम मेरा नहीं हो पाया, मुझे वापस और घर जाना था। उसके बाद मैं अपना हेडफोन देने चली गई थी सर्विस सेंटर में, फिर आई मैं मार्केट क्योंकि नित्या के स्कूल के शूज फट गए थे तो शूज लेने थे। बाकी मेरे को हरी चूड़ियाँ भी लेनी थी तो मैंने ले ली, बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दिख रही थी ठेले में, तो मैंने सिर्फ ग्रीन वाली ली, एक पैरट ग्रीन और ग्रीन कलर की। और सावन है और हरी चूड़ियाँ ना पहनो ऐसा हो नहीं सकता। आ गए, कैसे हो कैसे हो कैसे हो, लटक गई मेरे ऊपर। बहनी क्या है? मैंने मां बहन खाना खा लिया। अच्छा क्या खा रहे हो, केक? तो एक बार मैं घर आ गई थी और LIC का काम अच्छे से नहीं हुआ था, मतलब वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह जमा करना था तो आधार कार्ड लेने में वापस घर आई और यहाँ पे नित्या काशी खा रहे हैं केक, घर वापस आ गए हैं। और मैं फिर से जा रही हूँ LIC ऑफिस और नित्या के लिए एक जूता लेके आई, वो भी छोटा हो गया, उसे भी चेंज करवा के आऊँगी और LIC ऑफिस भी जाऊँगी, टाइम भी कुछ 1:30 बजने वाला है। तो दोस्तों मैं कोई भी काम करती हूँ ना इतना हेक्टिक हो जाता है, बगैर फदीता हुए मेरा काम पूरा नहीं होता। तो मैं दोबारा से फिर से LIC ऑफिस आई आधार कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और यहाँ आई तो यहाँ पे चल रहा था लंच टाइम, तो मैंने फिर वेट किया आधा घंटा, आधा क्या पूरा 1 घंटा वेट किया मैंने। उसके बाद काम करने के बाद मैं 3 बजे पहुँची वापस घर। तो दोस्तों फाइनली 3 बजे मैं पहुँच रही हूँ वापस घर, आज पूरा दिन वहीं लग गया, लंच टाइम हो गया था उनका जब मैं गई, उसके बाद फिर आधा घंटा वेट किया, फिर काम निपटा के आ गए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं खा रही थी छोले जो मैंने सुबह बनाए थे प्याज और नींबू डाल के, तो इतने में आई मुझे आवाज़ मेरे पतिदेव की स्कूटी की, शायद से वो आ गए हैं। यहाँ पे मेरे पतिदेव आ गए हैं। तो दोस्तों ये लेके आई है मेरी मासी, ये देखिए क्या क्या बना लाई है। साहब इतने इमोशनल वाले हैं, सासू मां इतनी बढ़िया दाल बनाई है, मैं नहीं आ रहा, मैंने मेरी कमर में आज बहुत, मैंने पहले ही कहते था ऊपर नहीं, मेरी मम्मी का कॉल आया था, मौसी आई है वहाँ मिलने आ जा, पर मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं हुआ जाने का और उसने यहीं सब भिजवा दिया है। तो दोस्तों सावन में मैं पहनती थी हरी चूड़ियाँ, पर मेरे पास ना इस बार हरी चूड़ियाँ थी नहीं, तो आज मैं मार्केट गई थी तो मैं लेके आ गई अपने लिए हरी चूड़ियाँ, तो अब मैं इनको पहनती हूँ। ये मुझे बहुत ना अच्छी लगती है हरी चूड़ियाँ, पहनना बहुत पसंद है। ये तो बहुत ज़्यादा है, इतनी तो नहीं पहनूंगी मैं, एक हाथ पे इतनी पहनूँगी। तो दोस्तों सावन स्पेशल हरी चूड़ियाँ मैंने भी पहन ली, इतनी पहनी मैंने, ज़्यादा नहीं पहनी, 2 चूड़ियाँ मौली भी गई। तो हरी चूड़ियाँ थी मेरे पास लेकिन मैं परसों जब डाल रही थी ना तो 4 बची थी, 4 की 4 मौली गई, तो फिर एक एक पहनना अच्छा भी नहीं लग रहा था तो मैंने नहीं पहनी। बाकी अब मैं थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, टाइम कुछ हो चुका है 3:30, अभी 4 बजे आ जाएंगे मेरे ट्यूशन के बच्चे, तब तक करती थोड़ी देर रेस्ट, फिर मिलती हूँ आप। हेलो दोस्तों, तो टाइम कुछ 4:30 हो रहा है और इधर आज मेरी आई है एक और न्यू स्टूडेंट, ये तो मेरी पुरानी स्टूडेंट हो गई है हमारी मायरा, और ये है हमारी नई स्टूडेंट भूमिका बिस्ट, और ये मेरी वैसे न्यू स्टूडेंट नहीं है, मेरी पुरानी स्टूडेंट है, मेरी स्कूल की स्टूडेंट है, ये मेरे ही स्कूल में पढ़ती थी, मतलब जहाँ मैंने छोड़ दिया है वहीं मैं भूमिका को पढ़ाती थी, है ना भूमिका? हाँ, तो अभी इनकी थोड़ी देर क्लास हो चुकी है 1 आवर की, 5:00 हो चुका है, मैंने 4:30 बोला, 5:00 हो गया, मुझे लगा कि आधा ही घंटा हो रहा है इन्हें आए हुए हो गया 1 घंटा। स्लोली स्लोली सिंग आल्सो, क्लास रेगुलर लेने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ऊपर बेड में, अभी तक नीचे बैठी थी। तो आज 2 क्लास रेगुलर इसलिए थी क्योंकि जो कल वाले बच्चे थे जो वैभव और वेदांत हैं उनकी मैंने कल कर दी थी हॉलीडे, क्योंकि कल मैं वहीं गई थी गेट टुगेदर में गए थे, मतलब दीपक ने बुला दिया था तो वहाँ चले गए थे, तो कल मैंने उनकी छुट्टी कर दी थी तो इसलिए उनको आज बुलाया था 4 से 5:30, फिर वो दूसरे बच्चे 5 से 6:30 बुलाया था उनको, गलत बोल रही हूँ मैं, 4 से 5:30 भूमिका और मायरा आए थे, फिर 5 से 6:30 वो दो आए थे, अभी 6:30 मैं दूसरी बच्ची आने वाली थी अभी आई नहीं है, वो भी आ जाएगी, तो तब तक उसके आने तक मैं इनको थोड़ा सा होमवर्क करवा देती हूँ। बाकी आज का शेड्यूल जो मैंने आपको दिखाया विदाउट जॉब, आज थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड हो गई हैं, लेकिन जाना तो पड़ता ही है बाहर, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो गई हैं क्योंकि कभी बैंक जाना पड़ा, कभी LIC ऑफिस जाना पड़ा, फिर अपने बूट के हेडफोन्स मेरे एक्सचेंज हो गए हैं, मतलब वहाँ पे दे दिए हैं, 7-8 दिन के बाद एक्सचेंज होके भी आ जाएंगे मेरे बूट के हेडफोन्स, क्योंकि वो एक साइड का ख़राब हो गया था पर उसकी वारंटी थी तो चेंज होके आ जाएंगे। बाकी अब घर के काम तो मेरे डे रूटीन के सेम रहते हैं, दूध तो इसमें भी ऐसे बना दूं, बदबू तो नहीं आएगी इसमें, इसको लोटे में रख दो, मुझे इतना ट्रांसफर करना हो रहा है, दही जमा देंगे ना खाली फट जाएगा, तो लोटे में तो नहीं आएगा। मैं क्या कह रही थी, हाँ डे रूटीन घर के काम वगैरह तो रोज के सेम ही रहते हैं, बट थोड़ा सा बाहर जो जाना हो जाता है वो कभी कभी का होता है, तो कभी कभी क्या वो मुश्किल हो ही जाता है, अदरवाइज और दिनों तो मैं स्कूल से आने के बाद करती थी ऐसे काम, तो आज घर ही थी तो मॉर्निंग में ही शिफ्ट में करके आई, लेकिन 2-3 चक्कर मुझे लगाने पड़े। बाकी अब मैं इसको इनको पढ़ाती हूँ उस बच्ची के आने तक, फिर उसके बाद शाम की सब्जी वगैरह काटूंगी, मम्मी पापा तो घूमने गए हैं,
सब्जी वगैरह इनको पढ़ाते पढ़ाते ही काट लेती हूँ, भिंडी काटूंगी सब्जी में। दोस्तों 4 बजे की क्लास निपटाने के बाद अभी आ रही है यहाँ पे निधि, निधि कर रही है अपनी प्रैक्टिस और नित्या और कश्मीर है यहाँ पे दूध और साथ में कर रहे हैं अपना होमवर्क, तो उनको होमवर्क दे दिया मैंने और मैं कराती हूँ निधि की प्रैक्टिस। दोस्तों टाइम कुछ रात का 8 बज गया है और आज मैं अब जाके फ्री हो रही हूँ, आज कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा हो गई थी क्योंकि एक कल वाले बच्चे आज आ गए थे, तो यहाँ पे मम्मी ने काट दिया सब्जी और पतिदेव ने दूध दिया है आटा, तो अब मैं सब्जी चढ़ाती हूँ और फटाफट से रोटी डालते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं मेरे, तो पहले फटाफट से बनाती हूँ भिंडी की सब्जी। पापा ने काटी सब्जी, तो दोस्तों सब्जी काटी है पापा ने, आज बहुत दिन भर बिजी हो गई सुबह से लेकर मैं सच में सुबह 4 तक बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली है मुझे, अभी मैं 7:30 बजे मेरी लास्ट वाली बच्ची गई है, बाद में नित्या काशी को होमवर्क कराया, तो नित्या काशी को होमवर्क कराते कराते ही काट देती थी, बट आज उनको टाइम नहीं दे पाई मैं ज्यादा। अब बनाती हूँ फटाफट से सब्जी, पापा की काटी हुई और पतिदेव का गुदा हुआ आटा। तो दोस्तों रात का खाना निपटाने के बाद यहाँ पे मैं धो रही हूँ रात के खाए के बर्तन, जैसे सुबह की स्टार्टिंग किचन से ही हुई थी तो हाउसवाइफ की एंडिंग भी किचन में ही होती है काम की, और अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें करके किचन वगैरह साफ करके फिर काटूंगी सुबह के लिए सब्जी। यहाँ पे सुबह के लिए सब्जी भी काट दी है मैंने बैंगन, क्योंकि सुबह लेट हो जाता है तो एक साथ नहीं हो पाता। इसके बाद सब करने के बाद मैं बनाऊंगी अपना थंबनेल ब्लॉग का, क्योंकि आजकल मैं एडिटिंग रात को नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी आईज़ में दिक्कत हो जाती है, मतलब सर में बहुत दर्द होता है, इसलिए सब्जी वगैरह काटने के बाद फिर मैं बनाती हूँ अपना थंबनेल। बाकी यहाँ दोस्तों साफ़ सुथरा किचन सुबह उठ के देखने में बड़ा अच्छा लगता है, तो आई होप आपने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।